यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा का सिलेबस इतना विशाल और व्यापक है कि अक्सर स्टूडेंट्स की तैयारी का सारा समय इसे एक बार में पूरा खत्म करने में ही चला जाता है। उन्हें परीक्षा के अन्य पहलुओं के लिए खुद को तैयार करने का समय ही नहीं मिलता है। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी आप जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतनी पुख्ता तरीके से तैयारी कर सकेंगे। आज का वीडियो हम उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जो अभी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर IAS फ्रॉम क्लास 9th। दोस्तों, वैसे तो 9th क्लास से ही IAS की तैयारी करना थोड़ा जल्दी माना जाएगा क्योंकि इस परीक्षा में अपियर होने के लिए आपका कम से कम ग्रेजुएशन करना तो बहुत जरूरी है, मगर फिर भी इसका एक फायदा ये होता है कि आपके पास काफी समय होता है जिसमें आप इस परीक्षा के अनुसार अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इस परीक्षा की तैयारी के लिए कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और यदि आपके पास पर्याप्त समय हो तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पहचान कर उससे ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, जो आपको मेंस पेपर में काफी मदद देगा। तो अगर आप भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज से ही इन टॉपिक्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। डिसिप्लिन। एक IAS ऑफिसर का जीवन बहुत डिसिप्लिन्ड होता है और अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना शुरू कर दीजिए। तय समय पर तय काम करना, चीजें अरेंज करके रखना इत्यादि आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। हो सकता है कि एक ही रूटीन से आप बोर होने लगे तो बीच में ब्रेक लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हो वापस अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफ में लौट आए। डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। अपने अंदर पढ़ने की ललक को जागृत कीजिए। अपने कोर्स की किताबों के अलावा और भी बुक्स पढ़िए, कोई नॉवल पढ़िए या फिर कोई मैगजीन पढ़िए। अपनी रूटीन में एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग को अहमियत दीजिए। ये पढ़ने की आदत धीरे धीरे आपको देर तक बैठकर पढ़ने के लिए ट्रेन करेगी ताकि आप परीक्षा की तैयारी का समय लंबे रीडिंग सेशंस के लगा सके। रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली। हर दिन कम से कम एक अखबार पूरा पढ़िए, उसके एडिटोरियल्स और उसके अन्य कॉलम्स पर विशेष ध्यान दीजिए। आप चाहें तो पॉलिटिकल न्यूज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं के बारे में जरूर पढ़ें। अखबार पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी बात को किस तरह से लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, साथ ही आप देश और दुनिया में हो रही घटनाओं से भी परिचित रहेंगे। प्रैक्टिस राइटिंग। हर दिन कम से कम एक पेज का निबंध यानी कि एसे जरूर लिखें। ये आदत आपकी परीक्षा में बहुत काम आएगी। आप चाहें तो कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो लिख रहे हैं वो विचार आपके अपने हो और अपने शब्दों में हो। पहले से लिखे हुए किसी भी आर्टिकल को रटकर लिखने से कोई खास फायदा नहीं होगा। इंडल्ज योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आसपास के लोगों के सामने उनसे बात कीजिए, उनसे अपनी बात कहिए। यदि स्कूल में आपको डिबेट या स्पीच कंपटीशन या ग्रुप डिस्कशंस में भाग लेने का मौका मिलता है तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। इससे आप विचारों के आदान प्रदान करने का तरीका समझेंगे, जो कि एक IAS ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथन योर सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर स्कूल टेक्स्ट बुक्स। UPSC के कैंडिडेट्स को सबसे पहली सलाह NCERT की क्लास 6 से 12 तक की किताबें पढ़ने की दी जाती है। जबकि आपके पास ये मौका है तो इसका फायदा लीजिए और आज से ही अपने क्लास की किताबें ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक और बात है जो इस संदर्भ में समझनी जरूरी है। अगर आप लगातार अपने कोर्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर नंबर ला सकेंगे। इससे आप हायर स्टडीज के लिए अच्छे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे जहां आपको तैयारी के लिए बेहतरीन माहौल मिल सकेगा। अंत में आपसे यही कहना है कि 9th क्लास में वैसे तो सीरियस तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस उम्र से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप परीक्षा के लिए जरूरी कई हैबिट्स डेवलप कर लेंगे जो असली तैयारी के समय आपके लिए काफी काम आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।
यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैम्पल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज ही ऑर्डर करें।